बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियंस द्वारा चापा ने दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर एवं जापान और उत्तराखंड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का जापानी भाषा में स्वागत किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन एवं भूकंपरोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य को क्या सहयोग दे सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन एवं भूकंपरोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य को क्या सहयोग दे सकता है, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए जापान से सहयोग लिया जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जहाँ हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और आयुष, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पर जो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है, उन सब पर हमने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बात करी है। इसके साथ साथ हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, भूकंप रोधी जो टेक्निक है, और हर साल आने वाला हमारे यहाँ पर डिजास्टर है, आपदा है, उसके संबंध में भी ज्वाइंट एक उनकी टेक्निक यहाँ पर किस प्रकार से हमारे लिए कारगर हो सकती है।